दो साल से ज्यादा समय से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में कई ऐसे पड़ाव आए हैं जहां जंग की दिशा बदलती हुई नजर आई। इस जंग का कारण कभी जेलेंस्की की जिद को बताया गया तो कभी इसे पुतिन की शाख का नाम दिया गया। जंग में बीतते समय के साथ यूक्रेन को कई ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ा जब ऐसा लगा कि अब पुतिन अपनी जीत की कसम पूरी कर लेंगे, क्योंकि ये वो वक्त था जब यूक्रेन को हथियारों और फंड की कमी से गुजरना पड़ रहा था और उसकी सहायता वाली फाइलें पेंटागन में अटकी हुई थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि बीतते हुए समय के साथ यूक्रेन पर कई पश्चिमी देशों का भरोसा कम हुआ और उसकी हथियारों की सप्लाई में कमी देखे जाने लगी, खासकर जब रूस ने अवदिविका शहर पर अपना कब्जा जमाया। उसके बाद मानो पश्चिमी देशों का भरोसा यूक्रेन से उठ ही गया है। इस दौरान ऐसी कई रिपोर्ट्स आई जिनमें दावा किया गया कि वॉशिंगटन और यूक्रेन के बीच रिश्तों में खटास आ गई है, क्योंकि लगातार बड़े पैमाने पर हर तरह से मदद के बाद भी यूक्रेन रूस को छकाना तो दूर अपने कब्जाए हुए इलाकों से रूसी फौज को पीछे भी नहीं ढकेल पा रहा था। और करीब लंबे समय के बाद जब एक बार फिर से यूक्रेन को अमेरिका समेत तमाम नाटो देशों का समर्थन मिलने लगा है। बाइडेन ने यूक्रेन को मदद पहुंचाने के लिए $61 बिलियन की मदद की है, साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम और आधुनिक हथियार देने का ऐलान भी किया है। इस सब के बीच रूस की खुफिया एजेंसी ने ऐसा दावा किया है जिसे जानकर जेलेंस्की के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल रूसी खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि यूक्रेन के पश्चिमी समर्थकों ने जेलेंस्की के स्थान पर किसी और की तलाश करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका और यूरोपीय संघ यूक्रेन में लंबे समय से चल रहे जंग और जेलेंस्की के नेतृत्व में जंग समाप्त करने में असफलता से बेहद चिंतित है। फिलहाल के लिए पश्चिमी देश जेलेंस्की को अभी बर्दाश्त करेंगे क्योंकि वह युद्ध की वित्तीय योजनाओं से जुड़े हैं, जो कि कीव शासन और पश्चिम हथियार निर्माताओं को भारी मुनाफा दे रहा है। खुफिया एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जंग की शुरुआती महीनों में जेलेंस्की के लिए समर्थन का प्रतिशत 80 से ऊपर था, जो अब घटकर 17 हो गया है और ये लगातार घट रहा है। ऐसे में पश्चिमी देश जेलेंस्की के विकल्प के रूप में किसी की तलाश कर रहे हैं जो इस जंग को एक निर्णायक मोड़ पर लाने में सक्षम हो सके। इसी कड़ी में पश्चिम यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको और कीव के मेयर विटाली क्लिट्सको के साथ जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक से संपर्क साध चुका है। इसके साथ ही यूक्रेन के पूर्व शीर्ष सैन्य कमांडर जनरल वालेरी जालुजनी और यूक्रेन सांसद के पूर्व अध्यक्ष दिमित्री रजुमकोव भी जेलेंस्की के विकल्प के तौर पर देखे जा रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि जब फ्रंट लाइन पर जंग में यूक्रेन की स्थिति बिगड़ने लगेगी और लीडर बदलने की बात तूल पकड़ेगी, तभी पश्चिमी देश जेलेंस्की को हर मोर्चे पर दोषी ठहराते हुए अपना ये दाव चल देंगे। बता दें कि मई महीने में जेलेंस्की का कार्यकाल समाप्त हो गया है, लेकिन वे अपने पद पर बने हैं, जिससे कानूनी तौर पर विवाद बढ़ा, लेकिन जेलेंस्की ने मार्शल लॉ का हवाला देते हुए राष्ट्रपति चुनाव कराने से इनकार कर दिया। एक तरफ तो अमेरिका समेत पूरा पश्चिमी खेमा नाटो समिट में यूक्रेन के साथ नजर आया, लेकिन पर्दे के पीछे क्या नया पक रहा है, इसका अंदाजा रूसी खुफिया रिपोर्ट से पता चलता है। हालांकि रूस की इस रिपोर्ट पर यूक्रेन या फिर पश्चिमी खेमे की तरफ से अभी कोई सफाई नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ ये बात साफ है कि जब पहले भी पश्चिम को जेलेंस्की के नेतृत्व पर संदेह हुआ था, तब यूक्रेन की मदद में कमी आई थी, और इसलिए रूस की खुफिया रिपोर्ट ने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है कि यदि जेलेंस्की वक्त रहते अपने आप को साबित नहीं कर सके तो क्या वाकई में उनके बदले यूक्रेन में एक नए लीडर को पश्चिमी खेमे से समर्थन दिया जाएगा।